ये कहानी है एक बच्चे की जो एक हसास दिल, मुख्तलिफ सोच और एहसास का मालिक था, जो दुनिया को एक अलग निगाह से देखता था, लोगों के ख्यालात में गौर फिक्र करता रहता था। वो कभी सोसाइटी की भलाई के लिए सोचता, कभी घर की भलाई के लिए सोचता, कभी दोस्तों के लिए सोचता। अलगर्ज के औरों के लिए सोचना उसका जैसे एक मकसद बन गया था। वो मायूस दिलों को एक सोच देकर उसे रोशन करने का ख्वाहां था। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा अपनी बलूगत की जानिब बढ़ता गया, मगर अब मुआशरे में मौजूद लोग उस पर तनकीद के तीर बरसा रहे थे। कुछ लोगों को ये एक आंख न बाता, इसके खिलाफ शिकायत के अंबार लगना शुरू हो गए। वो बेचारा हैरानी के समंदर में डूब गया कि आखिर मेरा गुनाह क्या है। खामोशी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, मगर उस बच्चे ने इस अजीब दुनिया में अपने माँ बाप को अपना मोहसिन पाया। अब वो बाप की शफकत से बढ़ाई हुई उंगलियां पकड़ कर चलता है। वक्त गुजरने लगा, अचानक बाबा ने अपनी उंगली छुड़ा कर उसे उसके उस्ताद की उंगली पकड़ा दी। अब वो अनोखी सोच वाला बच्चा अपने असातजा की उंगलियां पकड़ कर चलने लगता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब वो उस्ताद अपनी उंगली छुड़ा कर उसे आला तालीम के लिए प्रोफेसर की उंगली थमा देता है। अब उस बच्चे की जिंदगी में लोग आते रहे, उंगलियां तब्दील होती रही। अब वो सरकर्दा मारा मारा कभी किसी जगह कभी किसी जगह, अब वो बिल्कुल अकेला था। कोई उसका साथ देने वाला उसे नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ उसकी बेहतरीन सोच थी, वो दूसरी तरफ मुआशरे ने उसे एक ऐसे दलदल में धंसा दिया था कि शायद जिसे निकलना मुमकिन ना हो। माहौल ने उसके साथ जिस तरह का सुलूक किया, वो बिलाखिर मायूस होकर बैठ गया और सोचा कि कोई आएगा और उसका हाथ संभालेगा। लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए उसका हाथ संभालने वाला कोई ना था। फिर अल्लाह ताला के हुजूर सर झुकाए और अपनी बेहतर जिंदगी के लिए दुआ की, और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के लिए एक होकर अपना ईमान ला खड़ा किया। और अब उसका दिल उस कायनात के खालिक से जुड़ गया है। उसने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खुद को तालीम दी। अब वो कामयाब इंसान बन गया है, क्योंकि उसने खुद को माली आजादी और वक्त से आजाद महसूस किया। अब वो खुद को अपने दिल से खुद का बादशाह महसूस करता है। अब वो बदीन के तलबा को दिल से बादशाह बनाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया बदीन सॉफ्टवेयर हाउस और वेब पेज 1। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सोच ना सिर्फ बड़ी है, बल्कि यह आपके तसव्वुर से भी बाहर है। मेरा सोचने का अमल आपके ख्यालात से बहुत दूर है, जैसा कि आप कभी गहरी नींद के ख्वाब में सोचते हैं। मेरी सोच आपके ख्यालात से बड़ी है, और वाकई ये बहुत बड़ी है कि एक दिन मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा इंशाल्लाह, और आप ये देखेंगे, क्योंकि मुझे अल्लाह पर गहरा यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। मेरी हकीकी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोच बहुत बड़ी है। गुड लक बदीन।